तो देखने में फ्रेंड्स बिल्कुल चटपटी लग रही है ना ये भुट्टे की सब्जी, तो खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है जितना कि आपको देखने से लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू और राजू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुट्टे की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग 400 ग्राम भुट्टे के दाने लिए हैं हमने, और से उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें पानी गर्म करके उसमें अच्छे से बॉयल करके इसे पकाएंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं। तो ये देखिए हमने पानी डाल के इसमें सारे दाने को हमने डाल दिया है, और इसी स्टेज में हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पहले हिला लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो भुट्टा दाना है अच्छे से पक जाए। आप इसे कुकर में पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी पक जाएगा, हमने यहाँ पे फ्राई पैन में ही पकाया है। तो ये देखिए हमारा दाना बिल्कुल पक गया है। अब जब भी इस प्रकार के भुट्टे दाने की सब्जी बनाएं तो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए भुट्टे के दाने, ज़्यादा कड़े वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसकी जो सब्जी है इतनी बढ़िया नहीं लगेगी खाने में। तो ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। उसी फ्राई पैन में हम तेल डाल के लगभग 3 से 4 मीडियम साइज़ के चम्मच से तेल डाल के हमने खड़ा जीरा 1 चम्मच छोटी चम्मच और 2 से 3 हरी मिर्च डाल के इसे अच्छे से भूना है। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज इसमें डाल देंगे। तो प्याज फ्रेंड्स हमने लगभग 2 से 3 बड़े साइज का लिया है, और उसे हम प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे इसे कवर करके पका लेंगे। तो कवर हम हटा के फिर इसे चला लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप उसी मात्रा में डालें क्योंकि हमने पहले भुट्टे दाने को जो बॉयल किया था हल्का नमक डाल के, तो उसी हिसाब से आप ध्यान में रखते हुए नमक को डालेंगे। तो नमक डालने के बाद फिर से हम इसे कवर करके पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा प्याज जो है अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए बिल्कुल कलर भी प्याज का चेंज हो गया है, और ये देखने में बिल्कुल लग रहा है कि ये सॉफ्ट हो गया है। तो ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से पक गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी लगभग 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने घिस के इस प्रकार से यहाँ पे इस स्टेज पे डालेंगे, और इसे भी लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा जो कच्चापन है अदरक का वो निकल जाए। तब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी सब्जी मसाला। सारे मसालों को डालने के बाद हमने थोड़ी सी पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल बढ़िया से भून जाए। तो इसे आप इसी तरह से लगातार इसे चलाते रहेंगे मसाले को, और तो ये देखेंगे बिल्कुल इसका कलर धीरे धीरे इसका मसाले का चेंज हो रहा है। तो ये देखिए मसाला जो है बिल्कुल तेल उसका अलग हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये मसाला हमारा लगभग भुन गया है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और चला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमने 2 टमाटर का हमने प्योरी तैयार किया था, तो 2 मीडियम साइज का टमाटर था, तो हमने उसी का प्योरी तैयार किया था उसे पीस के। आप चाहे तो बगैर पीसे भी इसे डाल सकते हैं काट के, हमने यहाँ पे मिक्सी जार में इसे पीस के डाला ताकि इसकी जो ग्रेवी हो वो थोड़े से अच्छे बन पाए। तो टमाटर डालने के बाद हम इसे कवर करके पका लेंगे, और उसके बाद फिर से हम इसे चलाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है ना, और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये टमाटर इसमें डाला हुआ है क्योंकि मसाले के साथ इतना बढ़िया फ्राई हुआ है। तो अब हम इसी स्टेज पे सारे भुट्टे दाने को हम डाल देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये जो है अच्छे से मसाला हमारा इसमें अच्छे से सेपरेट हो सके।
तो इसी तरीके से हम इसे लगातार यहाँ पे चला लेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे, क्योंकि मसाला हम इसे यहाँ पे अच्छे से मिला रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया और मसाले भी अच्छे सेपरेट हो गया है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी हम इसे ढक के पका लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो थोड़ा बहुत भी है अच्छे से मसाला इसमें सेपरेट हो सके। तो ये देखिए फाइनली हमारा भुट्टे की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो है ना बिल्कुल लाजवाब और बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल लाजवाब और टेस्टी ये भुट्टे की सब्जी बनके तैयार है। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, इसे सर्व के लिए निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका दाना है और बिल्कुल चटपटी लग रहा है ना देख के फ्रेंड्स। तो आपको जितना चटपटी लग रहा है ना उतना ही इसमें टेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।